वेलकम टू जीके सागर फॉर डेली करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ NSDC। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NSDC क्या है। तो NSDC का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका काम यह है कि जो भी यूथ है उसके अंदर उनको नई नई स्किल्स सिखाई जाए, उनको नई नई स्किल्स दी जाए ताकि जब भी वो मार्केट में जॉब लेने जाए तो उनको इजीली जॉब मिल जाए। तो इसके जो भी अभी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं AM नायक। तो इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं कि जो कि इनका नाम AM नायक है उसमें से इनकी सरनेम आप देखें और उसमें से पहले 3 लेटर ले लें तो ये बनेगा नई, यानी कि नया। और अभी अभी आपको मैंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में सिंपल वर्ड्स में बताया कि ये नई नई स्किल्स देता है। तो इस तरह से आप ये नई स्किल्स को लिंक करके याद रख सकते हैं कि NSDC के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं AM नायक। आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं AM नायक और ये अभी एट प्रेजेंट चेयरमैन है LNT के। LNT आपको आपने नाम सुना होगा, लार्सन एंड टोब्रो, तो उसके ये चेयरमैन भी हैं और इनको अभी NSDC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ईशा सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ईशा सिंह ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं ईशा सिंह और ये रिलेटेड हैं शूटिंग के लिए। और ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो नेशनल चैम्पियनशिप चल रही है उसमें इनको 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईशा सिंह शूटिंग से रिलेटेड हैं। हैंड इन एंड मिलिट्री एक्सरसाइज टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड, तो ये जो हैंड इन एंड मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि हैंड इन हैंड, तो इसमें 2 बार हैंड वर्ड यूज़ किया गया ना। और आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि दो दो हाथ करना। दो दो हाथ करना यानी क्या? लड़ाई करना। तो इंडिया की जो दो दो हाथ होते रहते हैं ना चाइना के साथ, आपको पता ही होगा कि जैसे ढोकलाम इशू हुआ था, ऐसे बहुत से बॉर्डर एरियाज में इंडिया और चाइना के दो दो हाथ होते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो हैंड इन एंड मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होती है चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ भी दो दो हाथ होते हैं, पर सिंस आपको इतना पता होगा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता, तो जो ऑप्शन बचा है वो है चाइना। अब चाइना है तो चाइना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और वहाँ के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF के फॉर्म में दी गई है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से रिवाइज कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। IIBF विल टेक प्लेस इन विच सिटी? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IIBF क्या है। तो जो IIBF है ये है इंडिया इंडोनेशिया बिजनेस फोरम और ये होने वाला है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ आता है? तो पोर्ट ब्लेयर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड पे आता है। तो ये जो IIBF है ये होने वाला है पोर्ट ब्लेयर में। अब ये इंडोनेशिया के साथ हो रहा है ना, तो इंडोनेशिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में दी गई है। चिल्ड्रंस HIV/AIDS रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, तो जो चिल्ड्रंस HIV/AIDS की रिपोर्ट रिलीज करता है वो करता है यूनिसेफ। अब आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि जैसे कि HIV/AIDS जो है वो हेल्थ के रिलेटेड है तो ये रिलीज करना चाहिए WHO को यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, बट ये करता है यूनिसेफ। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक है, ये चिल्ड्रंस HIV/AIDS रिपोर्ट है। सिंस ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक है तो इसको जो ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगी वो भी चिल्ड्रन स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो कि है यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। सिंस ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक है तो ये जो रिपोर्ट है ये चिल्ड्रन की ये यूनिसेफ ही रिलीज करेगा। अब इसके बारे में आपको इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि पूरे साल ये जो रिपोर्ट है ये एज ग्रुप को कवर करता है जो कि है 0 से लेकर 19 ईयर्स तक के एज ग्रुप उसको कवर करता है रिपोर्ट के अंदर। और इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पूरे साउथ एशिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा HIV अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं 0 से 19 के बीच के एज ग्रुप के अंदर पूरे साउथ एशिया में। साथ ही में इसमें ये भी बोला गया है कि अगर HIV के प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते रहे तो 2030 तक जाके इंडिया में ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे हर रोज 80 बच्चे HIV के वजह से मर रहे होंगे। तो इसलिए इंडिया को ये वार्निंग भी दी गई है ताकि वो HIV के रिलेटेड कुछ स्टेप्स ले सकें। अब ये जो रिपोर्ट है ये यूनिसेफ ने रिलीज़ की है, तो यूनिसेफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का वह हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, उसके हेड कौन है और ये कौन से कब फाउंड हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड इंटरनेशनल अम्बेडकर कॉन्क्लेव टेक प्लेस इट, तो ये जो सेकेंड इंटरनेशनल अम्बेडकर कॉन्क्लेव है ये रिसेंटली हुआ था न्यू दिल्ली में। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन होगा कि कॉन्क्लेव है किस चीज़ के लिए,
तो जैसे कि आपको पता है कि 26 नवंबर था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो उसको याद में ये इंटरनेशनल अम्बेडकर कॉन्क्लेव स्टार्ट किया गया था, और इसका सेकेंड एडिशन अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया था। कोपे इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज टेक्स प्लेस विथ, तो ये जो कोपे इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो आपको ये भी याद रखना है साथ में कि एक्सरसाइज अभी कहाँ हो रही है, तो एक्सरसाइज हो रही है वेस्ट बंगाल में। तो इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं जैसे कि कोपे जो नाम है एक्सरसाइज का, कोपे इंडिया, तो इसमें से आप पहले तीन लेटर लो तो कॉप वर्ड मिलेगा, और आपको ये पता होगा कि जो पुलिस है उसको यूएसए में कॉप बोलते हैं ना, पुलिस को क्या बोलते हैं, कॉप बोलते हैं यूएसए में। तो इस तरह से आप ये लिंक कर सकते हैं कि जैसे कि ये कॉप है तो ये कॉप कहाँ बोलते हैं, तो ये बोलते हैं यूएसए में, तो ये एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है, ये हो रही है यूएसए के साथ, और कहाँ हो रही है, तो ये वेस्ट बंगाल में हो रही है। अब यूएसए के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का कैपिटल क्या है और प्रेसिडेंट क्या है, करेंसी तो आपको पता होगी यूएसए की। सलोमे जुराबिश्विली बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं सलोमे जुराबिश्विली, और ये बिलोंग करती हैं जॉर्जिया को। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जॉर्जिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जो कि आपको याद होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके एग्जाम में पूछे जाने के। इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं कि जो कि इनका नाम है सलोमे, उसमें से हम वर्ड लेते हैं सलो, है ना, तो इसमें से हम वर्ड लेते हैं सलो, वर्ड लेते हैं इनमें से, और जो कंट्री कौन सी है, कंट्री ये बिलोंग करती हैं जॉर्जिया को, उसके आप पहले तीन लेटर लो तो उससे बनेगा एक वर्ड जियो, है ना, जियो यानी कि जिंदा रहने वाला, वो जियो, और सालो यानी सालों तक जियो, ये इस तरह से लिंक हो जाएगा कि इनके फर्स्ट नेम से हमको मिलेगा सालो, और जो कंट्री है उससे मिलेगा जियो, तो सालों तक जियो, इस तरह से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं। अब जॉर्जिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी कौन सी है। आगे देखते हैं, ब्लू इकोनॉमिक फोरम विल टेक प्लेस इन विच कंट्री, तो जो ब्लू इकोनॉमिक फोरम है ये अभी रिसेंटली हुआ था केनिया में, तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि जो कि ब्लू इकोनॉमिक फोरम है उसमें से हम ब्लू वर्ड को ले लेते हैं यहाँ पे, और जो केनिया जो कंट्री का नाम है वो सिमिलर साउंड करता है कन्या के, तो ये दोनों को लिंक करें तो अभी बनेगा ब्लू कन्या। तो अगर आपने अवतार मूवी देखी होगी तो अब उसमें आपको ये ब्लू कन्या दिखी होगी ना, तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं ब्लू कन्या, तो ब्लू इकोनॉमिक फोरम इन केनिया, इस तरह से आप इसको इजीली लिंक कर सकते हैं। अब केनिया है, तो केनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल क्या है, और वहाँ की करेंसी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में दी गई है। मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये है मैग्नस कार्लसन और ये रिलेटेड हैं चेस के। ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जो चेस चैम्पियनशिप हुई थी उसके ये विनर हैं, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि ये मैग्नस कार्लसन चेस के प्लेयर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको